हिंदू धर्म में भगवान को नारियल अर्पित करने का बड़ा ही महत्व है। बहुत बार नारियल खराब या सड़ा हुआ निकल जाता है, इसको बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि भगवान ने उनका नारियल स्वीकार करा या नहीं। आइए पंडित जी से जानते हैं। भारतीय संस्कृति में और सनातन धर्म में नारियल का बहुत महत्व है। नारियल को भगवान के प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है, बलि के रूप में भी चढ़ाया जाता है। नारियल भगवान शंकर को अखंड भी चढ़ाया जाता है, और जिस भी देवी देवता के मंदिर में हम नारियल बधारते हैं तो नारियल का प्रसाद उन्हें समर्पण करते हैं। ऐसे में यदि वह नारियल अच्छा निकले तो सभी भक्तों में वह प्रसाद वितरण करना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रसन्नता और बढ़ती है। प्रसाद के रूप में बांटने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। यही नारियल यदि बधारने पर खराब निकल जाता है तो यह जान लेना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। इसलिए आपका नारियल जो है ईश्वर ने संपूर्ण ग्रहण कर लिया है। उसे एक तरफ या तो रख देना चाहिए, अग्नि कुंड की व्यवस्था हो, अग्नि प्रज्वलित हो तो उस अग्नि में उसको पूरा समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर आपके ऊपर पूरी शक्ति से आपके ऊपर समर्पित होकर दया करने वाले हैं, ऐसा जान लेना चाहिए। नारियल सनातन धर्म में शगुन का महत्व है। किसी भी शुभ कार्य में नारियल के ऊपर दक्षिणा रख के आदान प्रदान किया जाता है। बहन भाई के संबंध में रक्षाबंधन के दिन भी नारियल के ऊपर भेंट रखकर दी जाती है। नारियल का महत्व संपूर्ण भारत वर्ष में बहुत ही माना जाता है। इसलिए नारियल को किसी भी रूप में अच्छा निकले या खराब निकले उसको बुरा नहीं माना जाता।